हेलो फ्रेंड्स, आज जो प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है मामा अर्थ C3 फेस मास्क। इसके अंदर है चारकोल, कॉफी और क्ले। जैसे कि आप लोग जानते हैं, चारकोल आजकल बहुत से सौंदर्य प्रोडक्ट्स में यूज होता है, हमारे सोप, हमारे टूथपेस्ट और भी बहुत सारे जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, चारकोल आजकल उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके अंदर है कॉफ़ी, कॉफ़ी एक बहुत अच्छा स्क्रबर है। और इसके अलावा है इसके अंदर क्ले, क्ले जो है आपके स्किन पे कसाब लाता है। और इन तीनों के अलावा इसके अंदर ऐसे बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके स्किन को हेल्दी बना के रखते हैं। और जब आप इसको अप्लाई करते हैं, इस फेस मास्क को अगर आप अप्लाई करते हैं, तो ये आपके स्किन पे आपके स्किन को बहुत डीपली क्लींस करता है और आपके पोर्स को खोलता है। और जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, चारकोल, कॉफ़ी और क्ले मिलकर उस इम्प्योरिटीज़ को दूर करते हैं। तो आज मैं आपको ये फेस मास्क लगा के दिखाऊंगी। क्योंकि इसके अंदर चारकोल है, इसलिए इसका कलर काफी डार्क है। चलिए इसे अपने फेस पर लगा के दिखाऊं। और हमेशा याद रखिए, जब भी आप चेहरे पे कोई भी फेस पैक या फेस मास्क लगाएं, तो उससे पहले अपने फेस को क्लीन कर लें। और क्लीन करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि अगर आपके पास क्लींजर नहीं है अवेलेबल, तो आप कच्चा दूध ले लें। कच्चे दूध में आप 2-3 ड्रॉप्स यानी कि 2 चम्मच कच्चे दूध में कुछ बूंदे, 2-4 बूंदे नींबू के रस की डाल दें। और कॉटन बॉल लेकर, रुई, अगर नॉर्मल रुई आपके पास अगर है या एक अच्छा सा कॉटन बॉल है, तो उससे आप अपने स्किन को पहले साफ कर लें अच्छी तरह से। उसके बाद आप कोई भी फेस पैक या फेस मास्क लगाएं। दूसरी बात, अगर अपने स्किन पे कोई मालिश अगर आप कर रहे हैं, फेशियल अगर आप अपने हाथों से कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए आपके हाथ भी साफ होने चाहिए। ये मामा अर्थ C3 फेस मास्क आपको मैं अपने फेस पे लगा के दिखाती हूँ, पर उससे पहले अपने बालों को मैं टाई कर लूँ। मैंने अपने बालों को टाई कर लिया है ताकि जब मैं ये फेस पैक लगाऊं, मेरे बालों में ना फंसे। अपने आंखों के आसपास बहुत केयरफुली लगाएं। अगर आप कोई भी फेस पैक या फेस मास्क अपने हाथों से लगाना चाहते हैं, तो अपने हाथ पहले अच्छी तरह से धो लें। गंदे हाथों से ना आप अपने बालों को छुएं, ना आप अपने स्किन को छुएं। ये मैंने लगा दिया है, अब मैं वेट करूंगी इसके सूखने का। आप अगर चाहे तो आप अपने आर्म्स पर भी, हाथों पर भी इसे लगा सकते हैं। ये पैक अपने नेक पर भी, अपनी गर्दन के जो पीछे है, बैक साइड पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारी जो गर्दन है वो भी काली पड़ जाती है पसीने से, गर्मी से। और कई बार कुछ ऐसी चेन हम लोग पहन लेते हैं, गले की चेन, गले का हार ऐसे पहन लेते हैं जो गले को, हमारी जो गर्दन है उसको काला कर देती है। तब ये जो पैक है, ये आप अपनी गर्दन पे भी लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा सूख गया है, इससे अब मैं गुलाब जल या नॉर्मल पानी से फेशियल करूँगी पहले। उसके बाद जाके अपना फेस मैं ल्यूकवॉर्म वाटर
यानी कि गुनगुने पानी या नॉर्मल पानी से धोऊंगी। मेरे पास गुलाब जल है पर मैं अभी नॉर्मल पानी से अपने स्किन को मसाज कर रही हूँ। मैंने अपने हाथ थोड़े से गीले कर लिए हैं और उसके बाद मैं इसे मसाज दे रही हूँ। थोड़ा सा पानी ले लूंगी। कम से कम मैं 5 से 10 मिनट फेशियल करूंगी। मैंने अपना फेस धो लिया है। मैं अपना फेस धो रही थी, मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर काफ़ी मॉइस्चराइज़र है। ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। मामा अर्थ C3 फेस मास्क विथ चारकोल कॉफी एंड क्ले।